ओके आरपी सिंह जी, ऑल राइट, आरपी सिंह जी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, आरपी सिंह जी, क्या आप नहीं लड़े अपने उन सहयोगियों से? दो तीन के नाम अभी बता देता हूं। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खुद प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था करप्ट पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी? उसके बाद अजीत पवार, हजारों करोड़ के घोटाले पीएम ने नहीं गिनाए थे? अब वही अजीत पवार आपके उप मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है सीएम भी बन जाए। याद करिए जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती को क्या क्या नहीं कहा आपने, उनसे भी आपने गठबंधन किया था। तो अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ रहे हैं राज्यों में और दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं तो क्या गलत है? मानक, मैं अपनी बात शुरू करूं या रखूं, उससे पहले मुझे सच्चे आज अफसोस है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने एक पत्रकार को जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी और आपने छूट दी, ये पत्रकारिता के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो ये अच्छा संदेश नहीं है। और मुझे पता नहीं, आपका शो बहुत पॉपुलर है, बोलिएगा ना आप, प्लीज प्लीज आप बोलिएगा, मैं आपको ठोकूंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता कभी भी। बोलिए 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 बोलिए। मानक जी, आपका शो सिर्फ यहीं पर अपने डिजिटली, आपका शो दुनिया में सबसे पॉपुलर शो है, आज सब देख रहे हैं, और आपका क्या रिएक्शन था, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे सच्ची में आज मन को आघात लगा कि आपने बिल्कुल छूट दी। और ये अच्छी बात है अगर इनको लगता है कि यही भाषा इस्तेमाल कर ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेंगे और आप उसको सहेंगे, तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। चलिए हम जरा अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आने से पहले अब क्योंकि आपने देखिए मुझ पर सवाल उठाया, मैं बिल्कुल कभी भी किसी को भी, चाहे कोई भी हो, पर्सनल कॉमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करता हूं। जब शक्ति यादव हर्षवर्धन जी के लिए कह रहे थे, हर्षवर्धन जी को मैंने पूरा मौका दिया, उन्होंने उसका बकायदा करारा जवाब दिया, इसीलिए मैंने उनको जाने दिया, चलिए ठीक है। लेकिन कभी भी नो पर्सनल कमेंट एट ऑल, कभी अलाउ नहीं करता मैं। चलिए आरपी सिंह जी मुद्दे पे आइए। जी मानक, मैं एक ऑडियो क्लिप 10 सेकंड का सुनाना चाहूंगा जरूर, ये आप आवाज पहचान लेंगे। किस तरह जो सच्चे बंदे ने सच बोलने वाले चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है, आपस में ये पार्टियां दोनों रलिया हुई ने। सो हर वक्त खेरा साहब के नाल अहुदेदार भी और दिल्ली की लीडरशिप भी उन्होंने सजेस्ट भी करते रहे कि दिल्ली के लीगल खेरा साहब न किस तरह करना चाहिए। जो यही है, देखो हम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी, जो मैटर है ना तो खेरा साहब का ना कि चार्जशीट च है, ना किसी चलान च पेश किया, ना कोई एफ आई आर च है। किस तरह वो जो इन्होंने 319 के अंदर ले लिया वो सानू जो चलिए, मतलब मूल मुद्दा यह है कि जब तक खेड़ा साहब इनकी पार्टी में थे तो रंग ढंग कुछ और थे, तब सोच कुछ और थी। मैं खेड़ा साहब तो एक अपनी जगह है, मैं चार नाम और गिना रहा हूं। पता नहीं कितना खून इनका पानी हो गया कांग्रेस वालों का। साधु सिंह, इनके इनको शायद पता नहीं होगा, नाम पता होगा नहीं होगा। भारत भूषण आशु, बड़े नेता है पंजाब में। सुंदर श्याम, श्याम सुंदर, सुंदर श्याम उनका नाम है। और ओपी सोनी तो इनके उप मुख्यमंत्री थे, अभी भी जेल में, अभी बाहर नहीं आया, अभी भी जेल में है वो। तो ये चार और मंत्री भी जेल में है, शायद इसमें से तीन की बेल हो गई है, अभी चौथे अभी जेल में है, अभी ये पांचवे इनके विधायक अभी के गए। तो दिखता है कि किस प्रकार का मामला आपस में है, किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार की मोहब्बत है, ये दिखती है। अब ये ऊपर से जो मर्जी ढकते रहे, जो मर्जी कवर करते रहे, परंतु मैं मूल बात पे आ रहा हूं, जो राजनीति हो रही है इसमें, और हमको समझना चाहिए राजनीति क्या है। राजनीति आज खेड़ा को उठाने, और जबकि मैंने अभी आपको बयान सुनाया किसका, मुख्यमंत्री जी का, उनको उनके लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उनकी कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी चिंता होनी चाहिए, उनका सब कुछ होना चाहिए, और ऐसे बयान में आपको आम आदमी पार्टी के लीडर्स के लगा सुनाता हूं। परंतु जो मूल मुद्दा है, ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस समय असेंबली के चुनाव, अभी ऋतुराज जी कह रहे थे कि असेंबली का चुनाव हम डट कर लड़ेंगे, हम अपनी नेशनल पार्टी है मजबूती से लड़ेंगे। तो ये सबके सब इसलिए हो रहा है कि जो असेंबली चुनाव है उसकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। हम कितना प्रेशर डालें कांग्रेस के ऊपर कि वो हमारे लिए असेंबली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे लिए 10-10, 20-20, 25-25 सीटें छोड़ दें, ताकि हमारी जो छाप हमको चाहिए असेंबली के अंदर, कहीं कुछ कभी जरूरत पड़ेगी तो हम भी अपनी बात कह सकेंगे। अब हमारा स्कोप नेशनल पार्टी का बढ़ गया है, क्योंकि अकेले लड़के ने देख लिया गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, सब जगह लड़के देख लिया, गोवा, तो वहां हालत क्या होती है। इस पर उन्होंने सोचा कि हम गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ेंगे तो शायद कुछ सीटें हमारी पाएंगे। ये सारी मूल बात यहाँ पर है, ये है राजनीति का क्रक्स। इस ये जो खेड़ा की अरेस्ट हुई है, ये तो 2 या
15 का मामला है, 8 साल पुराना मामला है, उसको यकायक लाइव करना, और जबकि कोर्ट से, ये मैं नहीं कह रहा, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट से स्टे है, सब कुछ है, तो अब उसमें कह रहे हमारे पास कुछ फ्रेश एविडेंस आ गए हैं, वो एविडेंस तो आ ही जाते हैं जब आपको दूसरी पार्टी को आर्म ट्विस्ट करना हो। पर एक मिनट नोट दीजिए, परंतु जो मूल मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर अभी जो बाजवा साहब ने बयान दिया वो बड़ी बात की उन्होंने, कहा हम 13 के 13 सांसद लड़ेंगे एक, और लड़ने के बाद जीतने के बाद हम 2 महीने के अंदर इनकी सरकार तोड़ देंगे, 32 विधायक मेरे से संपर्क में, ये नहीं, बाजवा साहब कह रहे हैं कि 32 विधायक उनसे संपर्क में है। अरे अब तो एक बयान ही आया, नहीं तो याद है सिसोदिया जी, ये मान साहब, इन्हें नहीं बीजेपी हमारे लोग तोड़ रही है, अब तो एक बयान ही, वो ओपन ही कह रहे हैं कि 32 विधायक मेरे से संपर्क में, ठीक है, तो ये आपस में फोटो खिंचवा रहे हैं, आपस में फोटो आप कर ले, नीचे जमीन पे कौन मिलेगा, अजनंजन मिलेंगे या केरला की पार्टी का जो अध्यक्ष, इनका जेल में डाल दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, अध्यक्ष पार्टी का जेल में डाल दिया, क्या उनके नीचे के जो नेता है कार्यकर्ता है उनका मन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और एक मेरी आरजेडी शक्ति यादव से निवेदन है, सर चेतन आनंद कौन सी पार्टी में है जो ठाकरों को लेकर इतनी बात करते हैं, सर जो मनोज झा जी को लेकर क्या क्या बोलते हैं जरा बता दीजिएगा। आरपी सिंह जी, देखिए इतने मंझे हुए प्रवक्ता है, इतने अनुभवी हो गए हैं अब, जो सबसे पहले सवाल पूछा उस पर जवाब भी नहीं दिया, बाकी सब बता दिया। आरपी सिंह जी, मैंने पूछा आपने एनसीपी के बारे में क्या कहा, आपने पीडीपी के बारे में क्या कहा, खुद प्रधानमंत्री ने, उसके बाद आपने गठबंधन किया या नहीं किया उनसे, ऐसे में अगर बाकी दल भी लड़ रहे हैं आपस में और बाद में गठबंधन कर लेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, तो उसमें गलत क्या है? मैं उत्तर दे देता हूं। अभी एक बीच में प्रवक्ता जी ने किसी ने, मैं भूल गया, झा साहब ने कहा हेमंत शर्मा का, अरे सिसोदिया साहब पे मुकदमा चल रहे, एक जेल की टर्म वहां पे भी काटनी पड़ी, चिंता मत करिएगा, छूटने वाले नहीं, यहां से छूटेंगे तो वहां से छूटने वाले तो नहीं, खैर वहां पर भी होगा। और इस सारे में एक डिमेंशन और है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पी खुली है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही, शुरू हो गई सीबीआई वाली, ये मामला वो भी है कि उससे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए आज कोई पी की बात नहीं कर रहा, सीबीआई के मामले की बात, आज सारा मामला खेरा साहब पे चल गया। और जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, हमने पीडीपी से अपने आप को अलग किया, हमने कहा नहीं, अगर आज देश के देश पहले जा, अरे सरकार से अलग करना अलग बात है, गठबंधन तो किया ना, नहीं पब्लिक रैली में उनको भला बुरा कहने के बाद गठबंधन किया या नहीं किया बताइए, अजीत पवार का क्या करेंगे, वो तो आज भी आपके डिप्टी सीएम है। नहीं मैं और सुन लीजिए, मैं जितने लोग बैठे हैं मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, हाँ। आप दुनिया का सबसे अच्छा वकील हायर करिए, उसकी फीस आरपी सिंह देगा अपने पर्सनल खाते से, और अगर हो सके तो अजीत पवार के खिलाफ एक कोर्ट का वो ले आइए। अरे आपके नेता ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा भाई, चक्की पीसिंग भूल गए देवेंद्र फडणवीस सर, उसके बाद कहा ना, उसके बावजूद भी कोर्ट से ऑर्डर तो चाहिए ना, मैं आज आरोप लगा सकता हूं। अरे आप कोर्ट की बात ही नहीं हो रही है, आरपी सिंह जी नहीं देखिए, अब आप गलत कर रहे हैं, 8 साल पहले यहाँ कोर्ट की बात नहीं हो रही है आरपी सिंह जी, यहाँ राजनीतिक बात हो रही है। एक मिनट, आपका खून पानी हो चुका है, आप हंसो मत, आरपी सिंह जी सारा पानी हो चुका है, आप पर कांग्रेसी असर होंगे, कांग्रेसी की पांच चार उनके मंत्री और एक विधायक जेल में डलवाने के बाद भी आपको हंसी आ रही है। आरपी सिंह जी एक सेकंड देखिए, शुरू में आप मुस्कुरा रहे थे, अब अतुल लोंडे पाटिल मुस्कुरा रहे हैं, और शक्ति यादव भी मुस्कुरा रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे हैं, ऋतुराज झा भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, यहां राजनीतिक बात हो रही है, कोर्ट की बात नहीं हो रही है। आपने भी बहुत सारे सहयोगियों को पहले कोसा और उनसे हाथ मिला लिया, अजीत पवार आज डिप्टी सीएम है, आपने उनको करप्ट बताया आपके नेताओं ने, इसका मतलब सब पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, सहूलियत है, अवसरवादिता है, सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम आम में सब नंगे हैं, मान लीजिए क्या दिक्कत है? एक मिनट मानक अतुल सॉरी ऋतुराज झा को बोलो, वो कहें कि जो फीस का खर्चा होगा वो देंगे उसका खेड़ा के लिए, नहीं देंगे ना, वहां कार्रवाई होती रहेगी, पर हमारा आपस में समझौता है, हम फीस का खर्चा देंगे, समझौता तो है ना, जब से ऊपर की पार्टी का समझौता है, एक अच्छा वकील कर दीजिए, ये तो आपके भगवंत मान जी ने कहा था कि अच्छा वकील करेंगे उनके लिए, भगवंत मान जी का स्टेटमेंट अभी अच्छा वकील करेंगे, करा दीजिए अच्छा वकील उनको, कहीं चुल्लू पर पानी बचाओ तो लोंडा पांडे, कहीं चुल्लू पर पानी बचाओ तो चिंता कर लो अतुल लोंडे पाटिल बोलिए, मर जाओ चुल्लू पर पानी में, तुम लोग हमसे सर्टिफिकेट चाहिए किसी को, अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई बोलिए आपकी बारी है,
आपके कार्यकर्ता आपके पीछे पीछे भागेंगे। और सिंधिया का खेल करते हो, अजीत पवार को चक्की पीसी कहते हो, पार्टी में लाकर अरविंद केजरीवाल की चिंता करो। जब से इंडिया का अलायंस बना है तब से मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली भी असर नहीं कर रही है, नींद खराब हो गई है। अमित शाह दरवाजे पे खड़े रहते हैं, क्या वो जो राजनीति की, सो जाओ नींद नहीं आ रही है। क्या था ना, अतुल भाई, आरपी सिंह जी कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरी है, आपका खून पानी हो गया। वो खुद डूब के मर चुके हैं, उनका खून नहीं पानी भी नहीं बचा है हड्डियों में। अभी इस तरह की जो बोखलाहट है, जो डर है, जो हालात है वो दिख रही है। मैंने ना लिस्ट ही निकाली अभी नेट से, कितने बीजेपी के लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बताने वाला था लेकिन चलो छोड़ दो। वो खेड़ा जो है हमारे विधायक, वो खेड़ा जी ने गलती किया, वो बीजेपी में चले जाते तो पाक साफ धुलते, आज उनकी भी केस ले लेते थे। हमारे आरपी सिंह भाई, मैं तो कोई बदजुबान आदमी नहीं हूँ, बदजुबानी करूंगा भी नहीं। आप तो बिथुरी को भी प्रोटेक्ट करने वाले हो, उसको इनाम दे दिया, संसद में ऐसा बयान दिया, पूरी दुनिया में हमारा लोकतंत्र शर्मसार हो गया, उसे आप तो बख्शीश ही देते हो। जो भी इस तरह की बदतमीजी करेगा उसे बख्शीश ही देते हो, तो जनता जनता चुल्लू भर पानी में किसको डुबो के मारने वाली है, ये तो तय हो जाएगा। मैं हंस इसलिए रहा था कि अजीत दादा ने कोई करप्शन नहीं किया, ये तो हम पहले से कह रहे थे। 27 जिलों को इस देश के प्रधानमंत्री 6-10 साल से उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं, पूरे बीजेपी के नेता, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, और वो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग के बाजू में बैठ के लेफ्ट में बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस, और राइट में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, तीनों मिलके चक्की पिसिंग एंड पिसिंग पब्लिक। मैं आपके बीच में बोला नहीं, तो सुनने की थोड़ी ताकत रखो ना। आपकी तो ये अवस्था हो गई है कि आपने टीडीपी के नेता को नरेंद्र मोदी जी डायस पे पकड़ के खींच रहे, आ जाओ हमारे गठबंधन में आ जाओ, बेचारा भाग रहा है डायस से। ऐसा चित्र 70 साल के लोकतंत्र में किसी ने देखा, ऐसा चित्र भी नहीं देखा कि वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद कर रहे और मोदी बैठे इतना रोते क्यों हो पार्थिव भाई, मेरी बात तो होने तो फिर आप बोलो ना। मैं तो आपके बारे में बात नहीं किया, मैं ये तो ठीक नहीं लगता। इतने बुजुर्ग प्रवक्ता है, इतने बड़े नेता है, सब पैसा है आपके पास, आप वकीलों का भी पैसा दे सकते हो। अच्छा ओके, दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा। अतुल भाई एक सेकंड, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं एक और जवाब चाह रहा हूँ आपसे। अतुल लोंडे पाटिल उनको शांत कीजिए ना मेरे भाई को, प्रधानमंत्री पिलाओ थोड़ा। वो प्रधानमंत्री कौन से राज्य से आने वाला है अतुल लोंडे पाटिल? देखिए देश के सामने दो है, एक इंडिया गठबंधन है, इंडिया तो कभी हारता नहीं, और दूसरा एनडीए है। एनडी में एक असफल प्रधानमंत्री है जिसने महंगाई पे जो वादे किए थे, स्मार्ट सिटी पे किए थे, स्टैंड अप सिट अप, 35 रुपए का पेट्रोल, सब कुछ जो है ताक पे लगा हुआ है। गवर्नेंस तो इतना बैड गवर्नेंस है कि जो जीएसटी में एक रिटर्न होना चाहिए उसमें 37 रिटर्न है, एक असफल है। और दूसरा इंडिया गठबंधन में इतने सारे चॉइसेस है, 6-7 ऐसे लोग है जो प्रधानमंत्री होने का माता रखते हैं, अनुभव रखते हैं और उन्हें समझता भी है, तो ये अंतर है। आरपी सिंह जी 20 सेकंड, लोकतंत्र में आरपी सिंह जी 20 सेकंड, प्रधानमंत्री कौन से राज्य से आएगा?